दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आप ही यूट्यूब चैनल इको ऑनलाइन टेक पर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभ्युदय योजना के बारे में आज बात करने वाला हूँ। अभ्युदय योजना के से संबंधित आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है लाइव कैंडिडेट से बात करेंगे। यहाँ पे आज लाइव जो है चलने वाला है, सुबह 10 बजे से आज स्टार्ट हो जाएगा। और इस बीच जो है जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किए हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों, वो लोग जो है अपने मंडल आयुक्त में जा करके वहाँ से अपना लाइव संबोधन कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से लाइव बात कर सकते हैं, सभी समस्याओं का वहां पे निजात पा सकते हैं। तो देखिए ऐसे में दोस्तों आपको जो है क्या करना है, लाइव से जुड़े रहने के लिए आपको यहां पे एक लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट लाइव लिंक पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों और भी क्या इसके बारे में जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, यहीं पे हम बात करेंगे। दोस्तों आप यदि अपने मंडल के समाज कल्याण अधिकारी का नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी जो है उनका नंबर जारी कर दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली उन्हें कॉल करके इसके बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अमर उजाला की तरफ से अभी अभी ये जो है आप देख सकते हैं 15 तारीख का डेट दिया गया है, उसके बाद 8:30 का टाइम अभी अभी ये जो है पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि अभ्युदय योजना का शुभारंभ आज सीएम योगी लखनऊ से करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। तो वर्चुअल उद्घाटन जो है आज यहाँ पे सीएम योगी द्वारा जो है किया जाना है। और इसके मध्य जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी जानकारियाँ दी गई हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है लखनऊ से अभ्युदय योजना का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस दौरान गोरखपुर से कमिश्नर डीएम सीडीओ समेत कई आला अफसर और 4 मेधावी छात्र व 3 विशेषज्ञ भी कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री गोरखपुर के अलावा प्रदेश के अन्य 4 मंडलों के मेधावियों से भी संवाद करेंगे। तो यहाँ पर जो है मेधावी जितने भी सिलेक्टेड हुए हैं उनसे जो है डायरेक्टली यहाँ पर जो है कॉलिंग के जरिए उनसे सारी समस्याओं का निजात भी पाया जाएगा और यहाँ पे उनसे वार्तालाप भी करेंगे। तो ऐसे में आप यहाँ देख पाएंगे अब तक जो है मंडल से 25,000 छात्र पंजीकरण जो यहाँ पे करा चुके हैं। तो दोस्तों यहीं पे आप देखेंगे कि पहले स्क्रीनिंग में जो है यहाँ देख सकते हैं कि यूपीएससी के लिए 912, नीट के लिए 163 और एनडीए और सीडीएस के लिए 51 छात्राओं का चयन किया गया है। तो यहाँ पे पहली स्क्रीनिंग जो चलने वाली है और यहाँ पे पहली स्क्रीनिंग में जितने लोगों ने यहाँ पे कैंडिडेट ने पास किया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि उनको जो है यहाँ पे इन लोगों को सिलेक्टेड किया गया है। इनकी पढ़ाई से ही योजना की शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्क्रीनिंग कर उनकी कक्षाएं भी शुरू होंगी। यानी कि जितने लोग सिलेक्टेड हुए उनकी जो है अब यहाँ पे कोचिंग जो है स्टार्ट कर दी जाएगी, उसके बाद फिर से जो है वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जो लोग यहाँ पे जो है उनकी परीक्षाएं के लिए जो है स्क्रीनिंग करने के बाद उनका उनका सिलेक्शन होगा तो उनकी कक्षाएं भी फिर तत्पश्चात चलाई जाएंगी। किन परिस्थितियां भी जिन छात्रों के लिए पढ़ना मुमकिन नहीं है वह फिर भी वह थोड़े कमजोर है उन्हें कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे जानकारी कि डीएम ने यहाँ पे बताया कि योजना में जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, कक्षाएं बढ़ाई जाएंगी या डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित होगा या फिर भी कोई अन्य सुविधा इसके अंतर्गत यहाँ पे जोड़ा जाएगा, तो इसकी सारी जानकारी जो है कैंडिडेट के पंजीकृत जो है मोबाइल नंबर और ईमेल उस पर जो है संदेश भेज दिया जाएगा। तो आज के लाइव कॉन्फ्रेंस में दोस्तों यहाँ पे 1,000 से अधिक छात्र जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो है यहाँ पे लाइव सुनेंगे। यहाँ पे डिजिटल कंटेंट के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की तैयारी की जाएगी। यहाँ पे देखेंगे कि राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था एवं उसके माध्यम से वर्चुअल कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो मंडल मुख्यालय पर विशेषज्ञों द्वारा वर्चुअल साक्षात कक्षाओं एवं युवाओं के लिए कैरियर काउंसलिंग सत्रों का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तर पर सूचना विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समिति के सहयोग से ई लर्निंग कंटेंट प्लेटफॉर्म एक पोर्टल के रूप में बनाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन जब पढ़ाई स्टार्ट की जाएगी उसके लिए भी एक अन्य पोर्टल यानी कि यहाँ पे एक और नई वेबसाइट बनाई जाएगी जिसके माध्यम से आप यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई जो है यहाँ पे कर पाएंगे। तो उसकी भी जानकारी जैसे मिलेगी दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। तो यहीं पर देखेंगे दोस्तों कि आगे की खबर में मंडल के अफसर भी पढ़ाएंगे। यानी कि कमीशन ने बताया कि गोरखपुर मंडल में आईएएस आईपीएस आईएफएस पीसीएस सैन्य सेवा रेलवे के अधिकारियों एवं नवागत जो है बैंक प्रोबेशनरी अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभागियों को पढ़ाया जाएगा। यानी कि जो कार्यरत रह चुके हैं दोस्तों इतने अधिकारी उनके द्वारा यहाँ पे कैंडिडेट को प्रशिक्षित किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि हर एक मंडल के जो है विकास भवन हैं वहाँ पे जो है एक लाइब्रेरी स्टडी सेंटर जो है वहाँ पे खोले जाएंगे जिसके माध्यम से उन्हें पुस्तकें भी उपलब्ध कराया जाएगा।
और वहाँ पे साथ ही साथ जो है स्टूडेंट के सेंटर में जो बनाए गए हैं वहाँ पे पुस्तक, पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र समेत सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही YouTube एवं अन्य प्लेटफॉर्म पर भी स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। तो सब मिला के दोस्तों यहाँ पे जो है जितने भी आपको प्रशिक्षित के लिए किए जाएंगे, आपको ऑनलाइन प्रशिक्षण यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों यदि आप कोई जानकारी अन्य चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए योजना से संबंधित, तो यहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी का मोबाइल नंबर दिया गया है, उनका ईमेल आईडी, और उसके बाद अपर आयुक्त प्रशासन का मोबाइल नंबर दिया गया है, उपनिदेशक समाज कल्याण का मोबाइल नंबर दिया गया है। अब यहीं पर बात करेंगे दोस्तों आप किस मंडल के हैं, आप अपने मंडल के अधिकारी का, समाज कल्याण अधिकारी का, अगर आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालना चाहते हैं तो उसे आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको अभ्युदय योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना होगा। दोस्तों अभ्युदय योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे तो हमें यहाँ ऊपर ही एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आज 10 बजे से जो है लाइव जो है यहाँ पे यूट्यूब का लिंक भी दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है इसके बारे में अन्य जानकारियाँ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है ये जो है अभी 10 बजे से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर कुछ आवश्यक जानकारी दी गई है जिसके इसी के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि यहाँ पे देखेंगे कि मेधावी प्रतिभागी के रूप में आपका चयन होने पर आपको जो है हार्दिक शुभकामनाएँ यहाँ पर दी गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभ्युदय योजना का शुभारंभ दिनांक 15/2/2021 को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। समस्त प्रतिभागी अपने मंडल मुख्यालय में स्थित निर्धारित स्थान पर दिनांक 15/2/2021 को प्रातः 9:30 बजे उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्बोधन सुन सकते हैं। यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं उनके जो है उनके पास जो है ईमेल या कॉल आना स्टार्ट हो गए दोस्तों, उनको कॉल करके बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे अपने ही मंडलीय आयुक्त में इस स्थान पे आना है और आ करके आपको वहाँ पे संबोधन को सुनना है। तो देखिए अब यहीं पे अगर आपके पास कॉल वगैरह नहीं आई है, आप निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में देखिए आपको यहाँ पे YouTube लिंक के जरिए जुड़ करके यहाँ पे संबोधन सुन पाएंगे। अन्यथा आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी समाज कल्याण की संपर्क सूची नंबर दिए गए हैं उनसे आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। तो ये देखिए इस लिंक पर आने के बाद यहाँ पे निकाल सकेंगे, नहीं तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये डाल दूंगा। तो यहाँ देखेंगे आपके आगरा का, आजमगढ़ का आजमगढ़, उसके बाद यहाँ देखेंगे कानपुर, झांसी, उसके बाद चित्रकूट का मुरादाबाद, बस्ती, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, अयोध्या, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर, विंध्याचल, वाराणसी और बरेली। तो इतने जो है उनके मंडलायुक्त के अधिकारियों का नंबर यहाँ पर दिया गया है, इन पर डायरेक्टली कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों लाइव संबोधन सुनने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है यहाँ पे आने के बाद, और ये लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा। यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली लाइव पर पहुँच जाएंगे। देखिए इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो वो यूट्यूब का लिंक हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो जाता है, और यहाँ पर हमें एक इस तरीके का पॉपअप विंडो करके मिल जाएगा, और यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो ये टाइम जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है 10 जैसे ही बजेगा यहाँ पे लाइव स्टार्टिंग हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो लगी हो दोस्तों अच्छी तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएंगे, बताएँ नोटिफिकेशन एबल करना ना भूलें ताकि हर एक योजना से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिले दोस्तों अगली वीडियो नई जानकारी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।